हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनुसेट ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और यहाँ देखिए मेरा आरव कुछ कुछ सीख रहा है और कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और वैसे ABCD इसको नहीं आती है, बस ऐसे ही जोड़ना इसको सीख गया है कि हाँ कैसे जोड़ूँ, इतना ही मेरे लिए बहुत है। और देखिए कितना बारीकी से इसको जोड़ रहा है और इसको ये समझदारी आ गई है कि हाँ इधर से नहीं ऐसे जुड़ेगा ये। तो इतना ही बहुत है इतने छोटी उम्र में। अभी मेरा आरव 2.5 साल का भी नहीं है और अच्छे से धीरे धीरे ये सीख रहा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। बना दिया इसको जोड़ जोड़ करके। क्या बना दिया है? क्या बना दिया है? ओके। हेलो गाइस, ये वाला ब्लॉग मैं अभी बना रही हूँ। आज 29 तारीख है और मैंने कल कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। कल मुझे कहीं जाना पड़ा था, बहुत ज़रूरी ऐसा काम है आजकल मुझे कराना ही है और साथ में जाना पड़ता है मुझे। तो कल कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो आज मैंने सोचा जो ही ब्लॉग बन पाता है मैं बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं और आप लोगों से थोड़ी देर के लिए मिल लूं, भले ही वो 2-4 मिनट का ही वीडियो क्यों ना हो, के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए ये महोदय क्या कर रहे हैं, ये शैम्पू का डब्बा है ना, इसको खोल रहे हैं, इसको पटक पटक के खोले हैं और ऐसे तोड़ दिए हैं देखिए। और ये बोले हैं कि मुझे खोल के दो इसको, ताकि मैं इसको गिराऊं और फैला दूं पूरा। और आज ये काम क्या किए थे आप लोग को पता है? आप लोग को मैं बता रही हूँ, मैं ना कूलर में पानी भर रही थी भरते वक्त पाइप अंदर डाल करके कूलर में, और मैं चले गई थी उधर वॉशिंग मशीन की साइड कपड़े डालने के लिए, धोने के लिए। और ये क्या किए महोदय, पूरा पाइप निकाल करके बिस्तर पे पूरा फैला दिए पानी को, इतना ज़्यादा पूरा गद्दा भींग गया था पानी से और उसी पे कूद रहा था। वो सोच रहा था कि मैं नहा रहा हूँ मैं नहा रहा हूँ आज। मुझे दिन भर उसी में पूरा रूम साफ करते, पूरा पानी फैल गया था, साफ करते बिस्तर वगैरह धूप दिखाते टाइम हो गया और 12 बज गए काम कंप्लीट करते मुझे। तो मैं उसके बाद थोड़ी देर सोई थी और सो के उठी हुई, देखिए बस कुछ भी नहीं किया है, फेस वॉश वगैरह कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ठीक है, मैं कुछ काम है जो कर लेती हूँ आप लोगों से, उसके बाद थोड़ी देर मिलती हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे जब मैं कपड़ा उठा रही थी तो इतनी सारी चींटियाँ आ गई हैं, रेड वाली लाल लाल जो चींटियाँ होती हैं ना, जो कपड़े पे चढ़ जाती हैं और काटने लगती हैं, वही वाली। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इन चींटियों से, और कपड़ों को बार बार झटकना पड़ता है ताकि उसमें चिपकी ना रहे चींटियाँ। वैसे मेरा बेटू हर रोज़ कुछ नया सीख रहा है और कुछ काम ख़राब भी करता है, कुछ अच्छा भी सीखता है, और कुछ मेरा काम बढ़ाता भी है, कुछ बिखराता भी है। तो किसी दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती है और किसी दिन मैं हंसती भी हूँ। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, अभी उसकी शरारतें बहुत ही ज़्यादा चालू हैं।
अभी बज गए हैं शाम के 6:30 हो रहे हैं आई थिंक मेरे हिसाब से, मैंने घड़ी तो नहीं देखा, एक मिनट में देख के आप लोग को बता रही हूँ। हाँ 6:30 हो रहे हैं और लाइट वगैरह जल चुकी हैं और बहुत सारी चींटियाँ आ गई हैं। देखिए मैंने लक्ष्मण रेखा लगा दिया है यहाँ पे ताकि चींटियाँ अंदर ना आए, कपड़ों पे पूरा फैल जा रही है। कपड़े अगर मैं सूखने के लिए डालती हूँ ना तो कपड़ों पे आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, कपड़ों में घुस जाती हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। और आजकल मोगरा अच्छा खासा निकल जा रहा है पूजा के लिए, अच्छा खासा मोगरा निकल जा रहा है और डेली 2-3 फूल निकल जाता है भाई मोगरा, और बस ऐसे ही खिल रहा है तो पीने देती हूँ। और मिर्ची के पौधे तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे उखाड़ के इसको फेंकना पड़ेगा, और यहाँ मैंने लगा दिया है मिर्ची के पौधे, देखिए जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़ 1 या 2 या 3 वीडियो पे आप रेगुलर आइए, ताकि अगर आप मुझसे छूटे भी रहे हैं, अगर आप लोग को मैं सब्सक्राइब ना भी किए रहूं तो मैं आप लोग के बार बार कमेंट पढ़ के आप लोगों के वीडियो पे ज़रूर आऊं, क्योंकि मैं भूल जाती हूं और मुझे याद भी नहीं रहता है, आजकल बहुत बिजी भी हो जाती हूं। तो थोड़ी देर तो वेट करिए और 2-3 वीडियो पे लगातार आइए, मैं आप लोग को रिटर्न पक्का दूंगी, मेरा पक्का प्रॉमिस है आप लोगों से। और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट करूंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिले। इसी के साथ धन्यवाद, श्री राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए।